हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेकी हीलिंग वर्ल्ड 8। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ। ये रीडिंग है अपलिफ्टिंग थॉट्स की, कि आपको किस तरीके के जो है विचार किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने मन में लाने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, चाहे आपका लाइफ पर्पज़ है। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये शॉर्ट रीडिंग है, 5 से 7 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो चलिए, डियर यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है अपलिफ्टिंग थॉट से। चलिए, सो 5 थॉट्स मैंने निकाल लिए हैं और इनका बॉटम ऑफ द डेक है लव योर बॉडी। सो चलिए, ओके, ये जो थॉट्स हैं, ये जो कार्ड्स हैं, ये ना अपने ऊपर काम करने वाले कार्ड्स हैं। सो आपने कुछ भी अगर लाइफ में है ऐसा जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें आपके तरीके से नहीं हो पा रही हैं, आपका मन जो है ऊपर नीचे हो रहा है, लगातार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ भी आप जो चाहते हैं अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में, उनके लिए ये बहुत सुंदर जो है ये अपलिफ्टिंग थॉट्स का एक डेक है, जिसमें से बहुत पावरफुल अफर्मेशंस हैं जो आपने लगातार करनी है और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना है। सो चलिए, सबसे पहला कार्ड जो है वो निकल के आया है, दैट इज़ आई एम पावरफुल। सो देखिए, अगर आप अपने आप को पावरलेस फील करते हैं, अगर आपको लो फील होता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, सो आपने ये फील करना है कि येस आई एम पावरफुल। आगे आप सोल भी लगा सकते हो, बिकॉज हम सब एनर्जीज हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो आई एम पावरफुल सोल, ठीक है। सो दूसरा है यू आर वर्दी। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, क्या ये मैं डिज़र्व करती हूँ, सो जो भी आपका ड्रीम है, येस यू आर वर्दी फॉर दैट, क्योंकि आपको भगवान ने अगर इस प्लैनेट अर्थ में भेजा है तो आप बहुत स्पेशल हैं। और अगर आप अच्छा मतलब सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपकी 5 सेंसेस अच्छे से काम कर रही हैं, तो यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपको जो है उन सब चीज़ों के लिए बहुत आभारी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आई एम जॉय। तो मे भी आप अपनी खुशी भूल चुके हैं इसलिए ये कार्ड आया है, या आप अभी बहुत अपसेट हैं, आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आपने अपने आप को याद दिलाना है दैट आई एम जॉय, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, है ना। एंड जस्ट चिल आउट। ये हो सकता है कि अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक पेन भरी सिचुएशन है जिसमें सब खराब खराब चल रहा है, सो आपने जो है चिल आउट करना है, उन लोगों के साथ रहें जिनके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो किसी अपने क्लोज वाले इंसान के साथ, जो सबसे पहले आपका इनर सेल्फ है, इनर सोल है जो आपकी, उनसे डिस्कस करें, लेटर लिखें, यूनिवर्स से डिस्कस करें और सिर्फ मज़ा करें, ठीक है, मज़े करें, मतलब टेंशन ना लें। दूसरा जो है सी द पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। तो आपको जो है हर चीज़ में, हर एक चीज़ में, देखिए हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता है, हर इंसान में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। सो हमने जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको इग्नोर करना है और पॉजिटिविटी की तरफ देखना है। जिस चीज़ का पलड़ा भारी होगा, उसी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होगा। और जो एंड था, दैट इज़ लव योर बॉडी। तो अपने आप से प्यार करें, मिरर थेरेपी करें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप से जैसे नॉर्मल हम कहते हैं बहुत ज़्यादा केयर करें, प्यार करें, अपनी केयर लेना शुरू करें, अपनी बॉडी की केयर लेना शुरू करें, माइंड की केयर लेना शुरू करें। वो कैसे होगी? मेडिटेशन करें, अपने आप से अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हट जाएं, थोड़ा दूर हो जाएं, फ़ोन ना चलाएं, लैपटॉप ना चलाएं, टीवी ना देखें, और सिर्फ मेडिटेट करें, अपने आप से जुड़े, नेचर से जुड़े, वॉक करें, कुछ भी है जो जैसे हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है, हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी हुई है और हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ना अपने आप स्पेंड करें, अपने आप के साथ जुड़ें, फिर देखना लाइफ कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। सो यही थी आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। सो अगर आपको बहुत पसंद आई हो, तो अगर आपको लगे कोई इंसान है जो बहुत परेशान है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।